छोटा मिस्त्री साहबा जो है हमारे फाउंडर कॉलेज के फाउंडर रहे, 50 साल पहले उन्होंने एक कॉलेज कायम किया। उस वक्त उस्मान यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क का कोई कोर्स नहीं था, तो मैडम ने कि जहरी पैदावार थी कि सोशल वर्क की बहुत ज़रूरत है, उसकी वजह से 50 साल में कई हज़ार बच्चे यहाँ से पढ़कर दुनिया में फैले हुए हैं। और दूसरा जो मैडम का बड़ा काम नामा है वो है आराम घर। आराम घर की हिस्ट्री ये है, मैं आपको समझाऊँ साहब, कि यहाँ से 1966 में कायम हुआ तो जीवन में सराहत है कि ऐसे मरीज जो दवा खाने वाले कहते हैं कि लाइलाज है और घर के मुताबिक से ले जाने तैयार हैं, उनको रखने के लिए आराम घर बनाया गया। तो जियो में 4 दवाखानों की सराहत है, उस्मानिया, गांधी, टीबी, मेंटल, वहाँ के लाइलाज मरीजों को ला के वहाँ शरीक करना। तो आज होते होते अब गरीब लोग भी आने लगे वहाँ। तो बहरहाल मैडम का बहुत बड़ा कारनामा है, शहर में कोई ऐसा काम नहीं है जो मैडम ने नहीं किया। और आपको ऐसी असेंबली की एक सेकंड में आपकी हिस्ट्री समझाओ, नवा महंगी नवा चंद पहले जो पेशेंट बने उनकी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद में एक कैंसर हॉस्पिटल साहिब निजाम स्टेट के बाद पहले के गवर्नमेंट जो बनी तो वीर आदि चंदो पहले चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट किया कि फंड दें, तो वीर आदि चंदो साहब ने कहा फंड नहीं है हमारे पास। तो नवाब साहब ने कहा मुझे राइफल चाहिए, ला चाहिए परमिशन दीजिए। तो नवाब साहब ने 1953 में 50 लाख रुपये जमा किए, उस वक्त साउथ इंडिया में कोबाल्ट यूनिट नहीं था, वो जो है बाहर से बनाकर कोबाल्ट यूनिट बनाकर यहाँ दवा खाना कायम किए। उस वक्त तक 1956 हो चुका था, निजाम सचिव के चीफ मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका छुट्टा किया। तो नवाब साहब जो थे निजाम के जमाने में महाराजा के शहर शाह थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उसके अलावा कमिश्नर पुलिस रहे, बल्दिया रहे, कई उद्योग रहे, वाले मिनिस्टर रहे और गुजरात के गवर्नर बने, और गुजरात में जाके उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खा दी। तो मैं एक तारीखी बात सुनाना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद जो पार्लियामेंट बनती थी बहुत सारे लोग मेम्बर चुन के आते थे, अपोजिशन में बहुत कम लोग होते थे लेकिन सारे लोग होते थे। तो जब पार्लियामेंट में जब बजट स्पीच होती थी पहले उर्दू शेर से करने शुरू करते थे, तो पंडित नेहरू का अक्सर ख्याल आता था कि मुझे भी जो है उर्दू शेर से तकनीक शुरू करना चाहिए। वरंगल से सियादत अली खान साहब लोकसभा में बन के आए थे, तो नवाब पंडित नेहरू की खातिर से मुतासर होकर पार्लियामेंट की सेक्रेटरी को बनाया था। तो एक बड़ा बजट पेश कर रहे थे पंडित नेहरू ख्याल के जरिए, तो कोशिश की पूरी नहीं जैसे उर्दू शेर से तकनीक किए हैं मुझे भी उर्दू शेर करना चाहिए। तो क्या ख्याल आया हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदला, ये खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये हैदराबाद के काबिल रहते हैं, हमारे लोग काबिल रहे हैं, नाम पैदा किए हैं, घर में आपका भी था वरंगल से ही है, सरत अली खान साहब वरंगल से लोग सब मिलकर बन के आए थे। मैं ज़रा लंबी तस्वीर करते हुए मैं मेरा कादुक 1958 से इस इदारे से रहा है।